अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट में से ही देख रहे हैं कि घर में बनाएं विम लिक्विड, तो आज हम घर में, जी हाँ, हम घर में बनाने वाले हैं। ये इतने सारे लींबू जो आप इकट्ठे देख रहे हैं, ये जो मैंने रमज़ान की तैयारी के लिए रखे थे, तो ये देखें, मैंने जो आप साबुन धोने के लिए मंगवाया, तो भी जी जो छोटा सा बार है वो पाकिस्तान में बनने वाला, वो भी 20 रुपये का। यकीन माने दंग रह गई। मैंने कहा कि घर में अब बना रहे हैं हमने विम बार, तो विम बार बनाने के लिए और विम लिक्विड बनाने के लिए, सॉरी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जो लीमू के छिलके बचे हैं ना, ये हमने वेस्ट नहीं करने। और दोपहर से ही मैंने ना सोचा हुआ था, और मैंने लीमू के छिलके जो वो ना वेस्ट नहीं किए, रख दिए। और ये जो है ना, आप देख रहे हैं ना, ये आंवले हैं। आंवले की गुठलियाँ निकाल के ना मैंने उसे भिगो के रख दिया था। तकरीबन 3 से 4 घंटे दोपहर से भिगा हुआ है ये, तो इसका कलर देख ले, निकल आया है ब्लैक साल निकल आया है। और ये बिल्कुल इसकी हड्डियाँ जो आप देख रहे हैं, मैंने इसकी निकाल दी थी। तो अब क्या करना है हमने, जी जल्दी से जाके सब्सक्राइब करना है। और क्या करना है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को देखिए ये कैसे बनते हैं। जी ये 2 से 3 मैंने कप जो ले लिए हैं पानी के, और इसमें मैंने लीमू के छिलके डाल दिए, और ये लिक्विड भी डाल दिया है आंवले वाला। इसमें लिक्विड भी डाल देना है और लेमन के छिलके भी डाल देने हैं, और इसको हमने रख देना है। अब आंच पे मैंने दरमियानी आंच पे रख दिए हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। और कुकर मैंने वेट लगा दिया, कुकर को, प्रेशर कुकर को आप देख रहे हैं, इसे मैंने तकरीबन 3 से 4 विसल आने दिए। और जब ये आ गए तो मैंने इसे खोल दिया। आप भाप देख रहे हैं, अभी अभी मैंने खोला है। तो मैंने इसे छन्नी भी ली है, और छन्नी में मैंने जी इसको मैंने छान लिया। और जाके कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप मेरी तमाम वीडियो मुसलसल देख सकें। और आपको पता है मेरी हर वीडियो इंफॉर्मेटिव होती है, छोटी से छोटी बनाती हूँ ताकि इंफॉर्मेटिव भी हो और आप बोर भी ना हो। तो जल्दी से जाके कर दीजिए सब्सक्राइब, और हम इसको कर लेते हैं अब ग्राइंड। अब इस जो मिक्सचर को है ना, हमने ग्राइंड कर देना जल्दी से जाके। और जब ग्राइंड करेंगे तो इसको, इसका जो लिक्विड बनेगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, और जो हमारा ये आएगा, तो इसको हमने जी छाननी में सारा हमने ना छान लेना है, ताकि जितने भी बीज से इसके जितने भी लम्ब्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। और जल्दी से जाके कर देना आपने सब्सक्राइब, और एक छोटा सा लाइक भी देकर करना है। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं विम लिक्विड, जो इतना महंगा आता है, 400-450 की तो बोतल आती है यार। तो हम इस महंगाई के दौर में महंगाई को तोड़ने वाले हैं। ये ज़रा सा स्लिप हो गया, तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, और ये देखिए कैसे बनता है। ये देखिए एक लिक्विड सा फॉर्म में आ गया है। तो हमने क्या करना है अब, ये देखिए जो पानी बचा है ना, हमने इसमें शामिल कर देना। हमने इसको शामिल कर दिया, और अब थोड़ा सा हमने इसको पकाना है जी, और कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा हमने इसको पकाना है। चूल्हे पे रख दिया हुआ है हमने ये, थोड़ा सा ये देखिए भापें निकल रही हैं, इसको निकल दें दीजिए, और जाके कर दीजिए जी सब्सक्राइब, और फुल वीडियो देखनी है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एंड तक हमने इसमें कुछ ना कुछ शामिल करते रहना है, और अच्छा सा लिक्विड बनाना है जी। तो जो जो लोग देख रहे हैं वो कंटिन्यू देखें। मैंने बर्तन चेंज किया है, मैंने हाफ रखा है और हाफ मैंने बचा के रखा है, क्योंकि मैंने दूसरा साबुन बनाना है इसमें से। इसकी में येलो कलर ऐड करिएगा क्या, क्योंकि विम बार जो होता है वो थोड़ा सा येलो कलर होता है, तो हमने येलो कलर इसमें शामिल करना है। और थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर दीजिए, ताकि हमारे जो हाथ हैं वो भी यानी केमिकल से पाक होगा। ये साबुन जो लिक्विड है वो केमिकल से पाक होने वाला है, और हल्दी हमारे जिस जो हाथों को है ना वो मॉइस्चराइज करेगी, और रंग भी हमारा साफ ही रहेगा जी। ये लीमू इसमें के छिलके हैं, इसमें इसलिए हमें सेंस की ज़रूरत ही नहीं है, किसी खुशबू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी पावरफुल स्मेल है कि हमें किसी और चीज़ की खुशबू की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जी लिक्विड बन गया हमारा, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें इसका कलर कैसा, टेक्सचर जैसा है। ये देखिए इसका कलर देखें, इसको अगर आप मज़ीद उबालना चाहते हैं तो उबाइल कर लीजिए, लेकिन ये रेडी हो गया।
अब हमने इसको जी कर लेना है, बोतल में डाल लेना है। बोतलों में डाल के जी विम बार जो है ना हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा मैंने ना मीठा सोडा डाला है, आपको पता है मीठा सोडे की क्या क्या फ़ायदे हैं। ये मैल कुचैल को और हमारे बर्तनों को ऐसे चमका देगा जैसे जैसे जी अभी नए लेके आए हैं। तो इससे ना झाग बहुत बनती है, ठीक है। आपने ना अगर आपने एक ही बोतल में डालना हो तो थोड़ा सा वो टाइट ना कीजिएगा, क्योंकि झाग बन के वो ना जब हम खोलेंगे तो वो उछल के बाहर आ जाएगी जी। अब घर में बनाए विम बार विम लिक्विड, तो ये जी मैंने बोतलों में डालने लगी हूँ। ये बोतलों में मैंने डाल दिया है, तो ये देखिए मैं आपको धो के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ भी नहीं मैंने लाया, यही वाला लिक्विड, और देखें साफ़ हो गया ये। यार आप जितनी भी काली हो बर्तन की, जितने मर्जी काले हों, ये देखें झाग इसकी देख ली कैसे बन रही है। कोई मैंने साबुन नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया जी। ये देखें जी मैं धो के आपको दिखा रही हूँ, आप भी अपने घरों में बनाएं जी। ये देखें अब मैंने ये सारा जो है ना ये सिंक भी इससे साफ़ कर लें। यही लिक्विड बेशक आप अपने पोछियाँ मारें, घर को साफ़ करें, क्लीन कर लें, किचन को क्लीन करें, किसी भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। हमने तो सिर्फ आपको बनाना सिखाया है, आप जी ये जिससे जिस जो जो सी मर्जी चीज़ इससे इस्तेमाल कीजिए। ये थोड़ा सा प्रेस नहीं हो रहा, मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। ये ना खुला नहीं है अभी, ठहर जाइए मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। ये जी अब होगा प्रेस। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा निकल आया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरा क्लीन करके दिखाऊंगी आपको। मैंने कहा जी अब बनाया है तो क्लीन भी करें, ताकि क्लीन करके आपको तमाम इससे अच्छा जो इसका पानी है ना, आप थोड़ा सा इसे वो जो हमारे रुमाल शुमाल होते हैं वो भी आप धो धो के धो सकते हैं पानी में डाल के। ये तो मेरा ये एक बोतल जो मेरी थी ना वो तो बन गई थी, और दूसरी मैंने जो थोड़ा सा बच गया था ना वो मैंने कोका कोला की बोतल जो होती है ना हमारी, उसी में मैंने डाल दी थी जी। अब आपको लग अब आप कर दें जी, कर दीजिए सब्सक्राइब और चैनल को, और एक छोटा सा लाइक भी कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जी। ये देखें इसकी कितना नीट हो गया ना, ठीक है। आप भी इस तरह अपने बर्तनों को चमकाइए, और हमें दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।